नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। बांसगांव थाना क्षेत्र के चाड़ी गांव में बुधवार को व्यक्ति की पुलिस की दबिश के दौरान भागते हुए मौत हो गई। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह 8 बजे पड़ोसी से मारपीट के मामले में आरोपी राम सकल के घर पुलिस दबिश देने के लिए गई। दबिश के दौरान आरोपी राम सकल पुलिस को देखकर भागने लगा। इसी दौरान वो अचेत होकर गिर गया। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दबिश के दौरान बगैर वर्दी के आए पुलिस वालों ने आरोपी राम सकल के साथ मारपीट की। इसी दौरान गिरकर वो अचेत हो गए और मौत हो गई। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चाड़ी गाँव में राम सकल नाम के व्यक्ति के विरुद्ध उनके ही गाँव के पड़ोसी ने मुकदमा लिखाया था। आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस उनके घर गई। इस दौरान वह भागने लगे, जिस कारण वो गिर गए। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। पीएम की फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। पुलिस और विपक्षियों द्वारा प्रताड़ित करने से मौत के सवाल पर एसपी साउथ ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के परिजनों से लगातार वार्ता की जा रही है, उनकी मदद की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, चाड़ी गांव के राम सकल नाम के एक व्यक्ति, जिनके विरुद्ध उनके गांव के ही उनके पड़ोसी ने एक मुकदमा लिखाया था 308 IPC का, पुलिस टीम सवेरे 8 बजे के आसपास उनके घर गई थी। पुलिस को देख करके वो भागे और गिर गए। उनके पड़ोसी और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल गांव अस्पताल ले आया गया, जहां डॉक्टर जिला अस्पताल के लिए रेफर गांव के गए। हाँ जी भी उनको अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ आए, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनसे लगातार हम लोग संपर्क के लोग आए, हाँ जी भी हैं, और घटना की जो है वो पोस्टमार्टम कराई जाएगी। फोटोग्राफी भी होगी, ताकि कहीं किसी तरह की कोई तथ्य आधा अधूरा न रह जाए। इसके अलावा हम परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। उनकी जो भी डिमांड है उसके लिए मौके पर SDM साहब ने उनको सकारात्मक आश्वासन दिया है। आगे की कार्यवाही विधिक रूप से की जाएगी, परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ, और जो भी शासकीय उनके हित में हो सकता है कार्यवाही होगी। किसी की अगर से चिंता भी होगी तो उसकी भी जांच होगी। परिजनों का आरोप है, पुलिस और उनके विपक्षियों पर आरोप है कि इनके मारने पीटने से मौत हुई है, क्या मैंने बताया ना कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच के लिए भी बात मैंने आपसे बताई। उसमें जो भी तथ्य आएंगे वो सब उसके आधार पर कार्यवाही।